शहनाज गिल सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। उनकी फिल्म के रिलीज से पहले पीटीआई ने अभिनेत्री से बिग बॉस के होस्ट सलमान और बतौर निर्माता वरिष्ठ सह कलाकार सलमान के अंतर को लेकर बात की। कुछ भी नहीं सर, जैसे पहले भी मुझे मोटिवेट करते थे कि तू आगे बढ़ सकती है, तेरे में पोटेंशियल है, तो तू अपने ऊपर मेहनत कर, जो पहले बोलते थे वो अब भी वही बोलते हैं। एंड मुझे बहुत मतलब कंफर्टेबल फील कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने मुझे इतने प्यारी तरीके से रखा वहाँ, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया, सो अच्छा लगता है। उनसे फिर पूछा गया कि सलमान खान को छोड़कर उनके सह कलाकार कब तक बिग बॉस के घर के अंदर रह सकते हैं। पलक तिवारी 5 हफ्ते में निकल जाएगी, फिनाले तक तो जा सकता है। क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए ना वहाँ पे, तो एंटरटेनमेंट मिलेगा। सिद्धार्थ निगम बहुत ही भोला है, तो सेकेंड हफ्ते आउट हो जाएगा। विनाली पलक के साथ दोस्ती है उसकी बहुत ज़्यादा, तो वो दोनों अगर ग्रुप में रहेगी तो लंबा चल सकती है दोनों इकट्ठी। जस्सी गिल हाय जस्सी गिल, पहले हफ्ते निकल जाएगा। पूजा हेगड़े आई थिंक जाएगी नहीं, वो स्टेज से ही चली जाएगी। आखिर में उन्होंने बताया कि कैसे बिग बॉस के बाद उनका जीवन बदल गया। अपने आप को चेंज किया, अपने आप पे मेहनत की, एंड कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी, उनकी ली एडवाइस एंड फॉलो करती रही जो अपने लोग थे, एंड मुझे बहुत इम्प्रूव किया कई लोगों ने। सो, जब मैंने सुना कि हाँ यार ये तो सच है, ये अच्छी बात है, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले मैंने वेट लूज़ किया, मुझे बहुत कमेंट्स आते थे बिग बॉस में, सुनने को मिलता था मैं मोटी हूँ, मेरी बॉडी शेमिंग बहुत हुई है, तो मुझे लगता था यही मोटी से मैं पतली भी हो सकती हूँ, इट्स नॉट हार्ड है ना, तो वो मैंने किया। फिर मैंने स्टाइलिंग चेंज की अपनी, लोगों को लगता था ये सिर्फ सूट में ही सुंदर लगती है, नहीं, डोंट जज अ बुक बाय अ कवर, अंदर देखो, अंदर कुछ और है। तो ये सारे भरम जो है लोगों के मुझे तोड़ने थे, तो तोड़ दिए, एंड आगे आगे अभी मुझे और भी तोड़ने हैं। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी और फरहाद समजी निर्देशित फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को रिलीज हो रही है।